यादव परिवार पर मेहरबान हुई योगी सरकार, मुलायम की छोटी बहू को दिया यह बड़ा बड़ा तोहफा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। राजनीति का खेल बड़ा ही निराला होता है। अरे भैया, एक दूसरे के दूर विरोधी कब क्या फैसला कर ले पता ही नहीं चलता। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे की बड़ी विरोधी मानी जाती है। लेकिन इस बीच सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू नेता अपर्णा यादव की योगी सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। एडीजी सुरक्षा द्वारा गृह विभाग और विभाग 16 के संयुक्त सचिव सुनील कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव लखनऊ के कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2017 के विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। अपर्णा पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी कर चुकी हैं और समय समय पर पीएम मोदी और सीएम की योगी की प्रशंसा करती रहती हैं। अपर्णा कर चुकी हैं योगी की प्रशंसा। अपर्णा यादव यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों की तारीफ कर चुकी हैं। तब अपर्णा ने कहा था कि सीएम बनने के बावजूद योगी आदित्यनाथ जमीन से जुड़े हुए हैं, वो मेरे लिए गुरु जैसे हैं। साथ ही हिंदुवादी होना कोई बुरा नहीं है, वो पूरे प्रदेश के साथ चलने वाले हैं। जाति धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर वह हमेशा सभी की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। पिछले साल दिसंबर में यूपी में जब विधानसभा चुनाव चुना हुआ तो सपा ने अपर्णा यादव को टिकट न देकर लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के मेजर आशीष चतुर्वेदी को उतारा था। 2017 में लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपर्णा यादव थे, लेकिन उस चुनाव में पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी यहाँ से चुनाव जीती थी। अपर्णा यादव ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी, वह दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में अपर्णा यादव को स्वाभाविक दावेदारी माना जा रहा था, लेकिन पार्टी ने आशीष चतुर्वेदी पर दाव लगाया। आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव अपर्णा यादव को पसंद नहीं करते हैं या अपर्णा यादव कुछ ज्यादा ही मोदी योगी की तारीफ करती हैं इसलिए अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया? अपना कमेंट करके जरूर बताएं।